तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल वीपीएन के बारे में, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसका नाम है सेल प्राइवेट फास्ट सिक्योर वीपीएन, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रही हो। इस वीपीएन को आप लोग यूज कैसे कर पाओगे ये मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इस्तेमाल कहाँ पे होता है, सब कुछ वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो कैसे भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देख लेना। लेकिन उससे पहले जितने बड़े चैनल पर नहीं, पहली बार हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको हमारे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो इस एप्लीकेशन का रेटिंग यहाँ पे देख सकते हो, रेटिंग दिया हुआ है 4.0 का। बात करें इस एप्लीकेशन को डाउनलोड के बारे में, तो 1 मिलियन प्लस बंदे ने इसको डाउनलोड किया है, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए आपको इंस्टॉल वाले बटन में क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपके फोन के अंदर यह वीपीएन यहाँ पे फाइनली इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि आप लोग खुद स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मेरे फोन के अंदर भी यहाँ पे इजीली यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। इंस्टॉल होने के बाद आपको ओपन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको परमिशन मांगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको परमिशन देना पड़ेगा। परमिशन देने के बाद आपको टर्म प्राइवेसी पॉलिसी मिल जाएगा, उसका आपको एग्री करना पड़ेगा। सब कुछ एग्री करने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है मतलब दाबने का, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन रिक्वेस्ट यहाँ पे आ रहा है, और ओके पे क्लिक करोगे तो ये होगा कि आप लोग का जो वीपीएन होगा वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ वीपीएन कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो डिसकनेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे अगर आप लोग क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखो वीपीएन कनेक्ट हो चुका है। और कनेक्ट होने के बाद कुछ स्टेप्स ऑप्शन आ जाएगा, और डिस्कनेक्ट करने के लिए आप लोग कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे डिस्कनेक्ट पे क्लिक करके इसको डिस्कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताता हूँ आगे करना क्या है। तो यहाँ पे देखो डिस्कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को फिर से इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो डिस्कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे देखो इस एप्लीकेशन के अंदर आपको ऐड देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और डिस्कनेक्ट हो रहा होने के बाद आप लोग को यहाँ पे करना क्या है कि आप लोग को यार देखो होता ही क्या है कि आप लोग वीपीएन का यूज कहाँ पे कर पाओगे, जो एप्लीकेशन हम लोग का इंडिया में बैन, ठीक है, उसको आप लोग किसी और सर्वर से कनेक्ट करा करके आप लोग यहाँ से गेम वगैरह खेल सकते हो, या फिर कुछ और भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। बस इसका यूज यही है भाई, और इसका यूज कुछ नहीं है। बस आप लोग क्या कर सकते हो, दूसरे सर्वर में कनेक्ट करके जो इंडिया में बैन है उसको आप लोग खेल पाओगे, इंजॉय कर पाओगे। बस इस एप्लीकेशन का यूज यही है, इस टाइप से यूज कर पाओगे, और काफ़ी सिंपल था सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी चलो आज के इस वीडियो अंदर इतना था, मिले से और वीडियो के लिए बाय बाय, चैन धन्यवाद।